अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे अपनी मूलियों की और अदरक की। इस हार्वेस्टिंग को मैंने 2 दिन में किया था। एक दिन मैंने पहले एक बकेट से अदरक और मूलियाँ निकाल ली थी। अलग अलग जगह पे हमारी क्यारी में मूलियाँ लगी हुई थी, मूलियाँ निकाली थी। फिर इसके बाद अगले दिन मैंने 2 बकेट से अदरक और हार्वेस्ट किया था, और एंड पे वो सारा अदरक हार्वेस्ट किया हुआ मैं आपको दिखाऊंगी और मूलियाँ भी। ये हमारी लास्ट मूलियाँ है हार्वेस्ट की, ये देखिए माशाल्लाह से ऑर्गेनिक मूलियाँ हाजिर हैं। तो अब हम ये देखिए अपना हार्वेस्ट करने के लिए अपनी इसमें से एक बकेट चूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने अपनी हार्वेस्टिंग करनी है अदरक की। तो ये देखिए पहले हम इस बकेट के जो ऊपर एक्स्ट्रा जो सा हमारे जो सूख चुका है अदरक के ऊपर वाले लीव्स, उसको हम हटा लेंगे और फिर बकेट को उल्टा कर हम इसमें से अदरक जो है वो हम देखना शुरू कर देंगे। मिट्टी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल छांट छांट कर हमने इसमें से अदरक निकालना है, बिल्कुल ज़रा ज़रा करके। इसमें से तो इतना अदरक, इसमें से अदरक हमारा जो था वो बहुत ज़्यादा निकला था। और एक जो हमारी लास्ट वाली जो मैं अगली मतलब सेकंड डे वाली जो हार्वेस्टिंग है उसमें दिखाऊंगी कि उसमें से भी ज़्यादा निकला था, लेकिन एक बकेट से अदरक कम निकला था क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट ट्राई थी और मैं बहुत बेताब थी इस वक्त देखने के लिए कि ये हमारी हार्वेस्टिंग कैसी होती है। तो ये जी इस बकेट थी, इस बकेट से हमारा जो अदरक था वो बहुत ही कम निकला था, मतलब ठीक था, लेकिन बाकी 2 बकेट्स के निस्बत ये इसमें से बहुत कम अदरक निकला था हमारा। इसको ये जो सा इमली का इसमें ये पौधा है, इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। हमने सोचा कि क्यों ना इसकी जड़ें निकाल कर हम दोबारा से इसको रिपोर्ट कर दें, लेकिन अफसोस ये है कि वो बचा नहीं, वो ख़राब हो चुका था। क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए इसको वीडियो बनाई हुई मुझे 3 से 4 पूरा एक मंथ हो चुका है, और अब मैं इस मंथ में इस वीडियो को डालने लगी। नहीं तो हमने वैसे ही दिसंबर की हार्वेस्ट की हुई है अदरक को। थोड़ी सी काम की वजह से मुझे ये वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। तो ये देखिए इस तरह हमने अदरक को अच्छी तरह से ढूंढते ढूंढते निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारी जो सा ये इमली का पौधा था, अब हमने इसको रीप्लांट कर दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूख चुका है अदरक के साथ साथ ही, तो ये बच नहीं पाया था, ये ख़राब हो चुका था पूरी तरह। तो ये देखिए अब ये देखिए हमारी जो थर्ड बकेट है, मतलब सेकंड डे की हार्वेस्टिंग की सेकंड बकेट है, बस ये थर्ड बकेट है हमारी। इसमें से भी हम अच्छी तरह से निकालेंगे। इसमें से भी अदरक बहुत ज़्यादा निकला था, तकरीबन हमारा राउंड अबाउट 1 से 1.5 किलो का हमारा अदरक हो चुका था। और अब हम घर में अपने सब्ज़ी में अपने खानों में हम अपने घर का ऑर्गेनिक हार्वेस्ट किया हुआ अदरक ही यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जब भी आपके पास अदरक ना हो तो आप अपने घर का उगाया हुआ अदरक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जरासीम से पाक अदरक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें से भी अदरक अच्छी तरह से निकल चुका है, ये अदरक है। इसको मैं धो के फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो ये देखिए ये अदरक, देखिए कितना सारा अदरक है। ये जो सेकेंड डे की हार्वेस्टिंग थी उसका था, लेकिन फर्स्ट डे वाला वो था वो भी मैं आपको इकट्ठा करके लास्ट पर दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अदरक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो ये देखिए इसके दोबारा से नोड्स निकल रहे हैं, जैसे कि ये दोबारा से हम अगर अदरक को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अब इसका सीज़न जा रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। अब हम सिर्फ इसको इसका फ़ायदा उठाएंगे अपनी सब्जियों में डालकर। इस अदरक की तो खुशबू ही बिल्कुल अलग होती है जो घर में उगाया हुआ होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। अब वो मिट्टी को निकले, जो मिट्टी थी उसको हम 2 से 3 दिन के लिए धूप लगवा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि उसके अंदर उसके जो फ़वाद हैं वो वापस आ जाएँ, और फिर नई हम उसके अंदर प्लांट्स लगाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।